अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेम बेक्स रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं मकई की रोटी। नॉर्मली ये घरों में बनाई जाती है लेकिन ये बहुत मोटी बनती है और ये टूट जाती है, तो आज हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, ना ये मोटी बनेगी और ना ही ये टूटेगी। यहाँ पे मैंने लिया है मकई का आटा, इसमें हम डालेंगे नमक, हसबे जरूरत नमक डाल लेंगे, इसे नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। आटे को हम हाथों की मदद से मसल मसल कर गूंदेंगे, उससे ये होगा कि क्रैक्स नहीं आएंगे रोटी में। ये गूंदा गया है, अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने दो बटर पेपर लिए हैं, इनको ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। दोनों बटर पेपर को मैंने ग्रीस कर लिया है, आटा सेट हो गया है। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे, अब इसे हम बटर पेपर के ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा इसे हाथों की मदद से फैला लेंगे। दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर रखेंगे, अब इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। इसे मैंने बेल लिया है, अब दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर से हटा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी सिंपल पेजेस यूज कर सकते हैं। तवा गरम हो गया है, अब इस पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे। ये रेडी है, इसे उतार लेंगे, बेलन के बगैर बनाएंगे दूसरे तरीके से, पेड़ा बना लेंगे। अब इसे ग्रीस किए हुए बटर पेपर पर रख देंगे और हाथों की मदद से इसे फैला लेंगे। ये रेडी है, अब हम इसे तवे पे डाल देंगे, बटर लगा लेंगे। तो जी व्यूअर्स, तैयार है मकई की रोटी। इसे गरम गरम साग और मक्खन के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी लगती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। दुआओं में रखिएगा याद। फी मानिल्ला।